गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सज्जन गुड मॉर्निंग ज्योति शुक्ला गुड मॉर्निंग नईम ज्योति यादव हनीश की तो सिंह गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू कैसे हैं आप सब लोग तो आज का ये जो सेशन है हमारा इस सेशन के अंदर हमें क्या पढ़ना है तो आज के सेशन के अंदर हमें बहुत जो भी है इम्पोर्टेंट बात है आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि गेट का एग्जाम आने वाला है उस गेट के एग्जाम के अंदर लाइफ साइंस के एग्जाम के अंदर में से हम जूलॉजी का पेपर जो भी आपके सामने डिस्कस करें और जूलॉजी में से भी 2018 का जो क्वेश्चन है हम क्या कर रहे हैं तो डिस्कस है वो डिस्कस करें 2018 के जूलॉजी के क्वेश्चन पेपर में से हम हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि वो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है उस क्वेश्चन के पीछे हिडन लॉजिक क्या है और उसका सही आंसर चुनने की जो भी है सही और करेक्ट मेथड क्या होनी चाहिए इससे आपको बेनिफिट मिलेगा आपकी आने वाली एग्ज़ाम के अंदर जिससे आप आपकी आने वाली एग्ज़ाम के अंदर मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे और आपको जो भी अच्छे बेनिफिट्स मिल पाएंगे तो यहाँ पे बसंत गुड मॉर्निंग चलिए गुड मॉर्निंग सबको अभी आप जो भी हैं एक काम करेगा कि सब लोग जो भी हैं लेक्चर को अपने शेयर करिए कि अगर आपने कहीं पे अभी तक लेक्चर शेयर नहीं किया है मतलब तो आपके जो दोस्त होंगे उन दोस्तों के साथ में लेक्चर का लिंक जो है उस लेक्चर के लिंक को शेयर करिए अगर अभी तक शेयर नहीं किया है तो अभी शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ में अपने व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह में ताकि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो भी जुड़ पाए और सभी लोगों को जो भी है उसका बेनिफिट है बेनिफिट मिले तो यहाँ पे हम शुरुआत कर सकेंगे लेक्चर को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेक्चर को सब्सक्राइब करिए लेक्चर को सब्सक्राइब मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लेक्चर को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो आप लेक्चर को लाइक भी करिए तो अब हम शुरू करते हैं वन बाय वन एक एक क्वेश्चन के डिशकन डिस्कशन को बेहरा गुड मॉर्निंग ठीक है ठीक है चलो अजरा जावेद गुड मॉर्निंग अजरा तो वापस से आप सब लोगों को एक बार मैं स्वागत तो करता हूँ और उसके साथ हम आगे अब एक एक क्वेश्चंस की तरफ जो भी है बढ़ते हैं तो हमारा ये पेपर जो है वो पेपर किसका है तो हमारा पेपर ये जो भी है टू थाउजेंड गेट का है और गेट के अंदर हम यहाँ पे मैं लिखूँ कि गेट का टू थाउजेंड एटीन का पेपर है और उसमें से भी किसका है तो पर्टिकुलरली जूलॉजी है वो जूलॉजी का पेपर है तो पर्टिकुलरली ये हमने बात की राधिका गुड मॉर्निंग तो चलिए वन बाय वन एक, एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं अब देखिए ये क्वेश्चन जो भी है पहला है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टोटल ट्वेंटी क्वेश्चन हैं और हम क्या करेंगे कि हम हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे पहले तो आपके आंसर जो भी हम जानने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में मैं जो आंसर क्या होता है वो आंसर सही आंसर भी बताऊंगा आपको तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है द एनिमल्स बिलोंगिंग टू द फाइलम ऐसे एनिमल जो फाइलम इकाइनोडर्मिटा से बिलोंग करते हैं ऐसे एनिमल जो इकाइनोडरमीटा फैमिली से, फाइलम से बिलोंग करते हैं आर क्लोजर टू कॉडेट्स वो जो भी है कॉड्रेट से बहुत क्लोजर होते हैं देन ऑर्र इनवर्टिबेट फाइला बाकी इनवर्टिबेट फाइला से इकाइनोडरमीट जो है वो कॉड्रेड से क्या होते हैं तो ज़्यादा जो भी हम कह सकते हैं कि क्लोजर होते हैं विच आर नो द फॉलोइंग रीजनस अकाउंट फॉर दिस रिलेटेडनेस इन इकाइनोडरमीट्स और कॉड जो कॉडेट्स हैं उनके दोनों की जो हम कह सकते हैं कि रिलेटेडनेस है ले इसमें इसमें से कौन सा जो भी है एक कंसेप्ट है या इनमें से कौन सी एक बात है जो इन दोनों की रिलेटेडनेस को हम अकाउंट कर सकते हैं ठीक है भावना चौधरी गुड मॉर्निंग कविता गुड मॉर्निंग सुनील सी कह रहे हैं चलो ठीक है बहरा सी कह रहे हैं अली खान सी कह रहे हैं भावना बी भानुप्रिया सी कविता वर्मा सी नईम पी ज्यादातर लोगों का जो जवाब है वो जवाब क्या है तो पर्टिकुलरली सी है वो सी जवाब है अब तो देखते हैं कि हम सही जवाब जो भी है इसमें से क्या है कि करेक्ट जो भी है आंसर है वो करेक्ट आंसर क्या है नईम राजेंद्र सिंह तो ठीक है सब सही कह रहे हैं अंकिता सजन शुभम दे शुभम दे सर का कहना है कुछ क्वेश्चन है उनका गेट एक्सल माइक्रोबालॉजी के लिए डाइवर्सिटी इन टेक्सोनोमी पढ़ा दिया है क्या लेकिन कहाँ पे शुभम अब बात कर रहे हैं तो कहीं पे यहाँ पे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के ऊपर बात कर रहे हैं तो वो बता दीजिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुड मॉर्निंग अजरा कह रहे हैं कि ड्यूट्रोस्टोमिक डेवलपमेंट बिल्कुल सही इन दोनों के अंदर जो ज्यादातर रिलेटेडनेस का जो मेजर इशू है सिस्टम नहीं, नहीं होता है रेडियल सिमेट्री बॉडी प्लान हाँ इन दोनों ऑर्गेनिजम्स के अंदर रेडियल सिमेट्री तो हम नहीं देखे जाते हैं ड्यूट्रोस्टोमिक डेवलपमेंट बिल्कुल सही है ड्यूट्रोस्टोमिक डेवलपमेंट के जो भी है और वेल डेवलप मसल्स मसल्स वेल डेवलप नहीं होते लेकिन हाँ ड्यूट्रोस्टोम जो भी है हम कहते हैं डेवलपमेंट जरूर होती है क्योंकि इनके अंदर क्या होता है कि ड्यूट्रोस्टोम इसलिए क्योंकि इन दोनों ऑर्गेनिजम्स के अंदर इकाइनोडरमीटा के अंदर भी और कॉड्रेट्स के अंदर जो डेवलपमेंट के अंदर फर्स्ट जो भी हम कहते हैं फर्स्ट इनफोल्डिंग होती है तो पहले वहाँ पर क्या बनता है पहले वहाँ पर जो भी है एनस बनेगा जब डेवलप पहले माउथ बनता है या पहले जो भी एनस बनेगा तो पहले एनस बनता है इसीलिए इसे

अभी तक सी की तरफ से कोई आधिकारिक तौर पे कोई भी प्रेस रिलीज या किसी भी तरीके का नोटिफिकेशन नहीं आया है तो यहाँ पे हम आपको कोई ऐसा फिक्स डेट बताया ऐसा डेट हमारे पास किसी के पास में भी प्रेजेंट नहीं है रिजल्ट कब आएगा तो सी एस आई ही बता सकते हैं लेकिन ज़्यादातर जो कयास लगाए जा रहे हैं वो यही लगाए जा रहे हैं कि इस मंथ के एंडिंग तक जो भी है रिजल्ट आने की संभावनाएँ ज़रूर है लेकिन पता नहीं कि कब आएगा क्योंकि अगर जब तक हमारे पास में कोई कागज जो भी है नहीं मिले कोई नोटिफिकेशन नहीं आए तब तक हम कोई कुछ नहीं बोल सकते ठीक है तो इसका आंसर क्या है ड्यूट्रोस्टोमिक डेवलपमेंट है देन सेकंड जो भी है है क्वेश्चन और क्वेश्चन सेकंड जो भी है बहुत सिंपल है देखिए अब ये तो आप में हर किसी को आना चाहिए क्वेश्चन जो भी है क्या है तो जूलॉजिस्ट सम टिश्यू प्रिजर्व स्कीन ऑफ उम एक जूलॉजिस्ट है उसने क्या किया है कि जो भी है रिकवर्ड किया सम टिश्यूज को टिश्यूज को जो भी रिकवर्ड किया फ्रॉम स्किन ऑफ उली मेमोद जो उली मेहमो है उस उली उमोद के स्किन से जो भी है आइसोलेट किया फर्दर जेनेटिक एनालिसिस रिक्वायर्स डीएनए आइसोलेशन एंड इनक्रीज इट्स अमाउंट फर्दर एनालिसिस के लिए हमें डीएनए जो भी है आइसोलेशन और उसकी अमाउंट को इंक्रीज करने के लिए डीएनए की जरूरत है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक वुड बी द मोस्ट यूजफुल इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ डी एन ए नीचे टेक्निक दी है इनमें से ऐसी कौन सी टेक्निक है जो डी एन ए की अमाउंट को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ठीक है वो बता दीजिए मनीष सेमवाल का जवाब है सर क्वेश्चन पूछ रहे शायद गेट ट्वेंटी वन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे सर दो गेट ट्वेंटी ट्वेंटी वन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो भी है आके चले जा चुके हैं मनीष शुभम देह नहीं शुभम देह हमने यूट्यूब पे उसके लिए क्लासेस नहीं लिए हैं फात्मा गुड मॉर्निंग अर्थु शर्मा नईम अच्छा चलो ठीक है सब सब बी बी कह रहे हैं पीसीआर कह रहे हैं पीसीआर पीसीआर जगदीश सब सब सब, सब बिल्कुल सबका सही है क्योंकि तो ये बहुत ही सिंपल है हम बायोलॉजी में से बायोलॉजी के अंदर पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स ये बिल्कुल जानते हैं कि अगर किसी भी टेक्निक ऐसी पूछी जा रही है जो टेक्निक हमें ये पूछने पे या ये जो भी है करने कहने पे मजबूर कर रही है कि ऐसे कौन सी टेक्निक है या ऐसा कौन सा जो भी है टेक्निक है जो डीएनए की अमाउंट को इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है तो वो कौन सी टेक्निक है हम जानते हैं कि वो पी देखिए आर एफ एल पी एक मॉलिकुलर जो भी हम कह सकते हैं मार्कर है तो ये तो नहीं हो सकता लेकिन पी सी आर पॉलीमरिज चेन रिएक्शन इज करेक्ट आंसर इलेक्ट्रोपोरेशन नहीं क्रोमेटोग्राफी भी नहीं इलेक्ट्रोपोरेशन और क्रोमेटोग्राफी तो ये सेपरेशन के मेथड है लेकिन यहां पे बात की जा रही है पॉलीमेरी चेन रिएक्शन तो एक ही मेथड है जो डीएनए के एम्प्लीफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल किया जा सकता है या रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सी है तो पर्टिकुलरली पॉलीमरी चेन रिएक्शन है ठीक है तो सही आंसर भी इसका क्या है तो करेक्ट आंसर इज ऑल्सो टू देन नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन द दबेट एंड प्रोडक्ट आर इन इक्विलिब्रियम हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इन अ केमिकल रिएक्शन वेर द सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट आर इक्विलिब्रियम कहा जा रहा है कि एक केमिकल रिएक्शन है जिस केमिकल रिएक्शन के अंदर सबस्ट्रेट भी है और प्रोडक्ट भी है और वो इक्वलिब्रियम में है सोल्यूशन के अंदर प्रोडक्ट और सब्स्ट्रेट दोनों इक्वलीब्रियम मतलब जितना प्रोडक्ट है उतना ही सबस्ट्रेट है व्हाट विल ऑकर इफ एन एनजाइम इज एडेड अगर एंजाइम को ऐड करते हैं तो फिर एंजाइम को ऐसी रिएक्शन जिस रिएक्शन के अंदर हम कह रहे हैं सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट जो भी है वो कैसे हैं तो इक्विलिब्रियम में है अगर सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम में है और अगर हमने यहाँ पे एंजाइम ऐड कर दिया तो एंजाइम ऐड करने से क्या होगा ठीक है एंजाइम तो ऐड करने से जो भी क्या होगा ये पूछा गया है नेहा खान मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट सभी इम्पोर्टेंट ही यूनिट है नेहा क्योंकि हम ये बता दे कि कोई एक यूनिट पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट है और उसके ऊपर सवाल ही नहीं आए तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है चलो सब लोग जवाब दे रहे अनिश चौहान जवाब दे रहे डी कह रहे हैं अनिश फ्री एनर्जी ऑफ सबस्टेंड विल बी चेंज नहीं <laughs> विभा सिंह कह रहे हैं ए भानुप्रिया ए अंकिता सिंह ए फातिमा राजेंद्र राधिका सब तो ए जवाब दे रहे हैं। सबका जवाब जो भी ए है तो, तो सभी जवाब क्या दे रहे हैं तो ए इज़ करेक्ट आंसर कह रहे हैं तो देखिए, जब एंजाइम को ऐड करेंगे तो जब एंजाइम को ऐड करेंगे तो बिल्कुल आप सब लोगों का जवाब सही है कि जब एंजाइम को ऐड किया जाएगा द विल नॉट चेंज क्योंकि जो एंजाइम है वो एंजाइम इक्विलिब्रियम रिएक्शन का कभी चेंज नहीं कर सकता देर विल बी अ डिक्रीज इन प्रोडक्ट फॉर्मेशन ये गलत है एडिशनल सब्सटेंट विल बी फॉर्म सब्सटेंट कैसे एडिशनल फॉर्म होगा द फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी चेंज ये भी नहीं होगा बस एंजाइम कभी भी इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं कर सकता क्योंकि एंजाइम की प्रॉपर्टीज के अंदर ही है एंजाइम इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन बट एंजाइम नेवर चेंज द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन एनजाइम्स कभी भी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करता तो इसका सही जो आंसर है वो सही क्या है तो फर्स्ट आंसर वॉज अ करेक्ट आंसर ठीक है देन क्वेश्चन नेक्स्ट है ये एक इंपॉर्टेंट डिसीज के बारे में बात की जा रही है कि कहा जा रहा है कि टेसैक डिसीज इज ए ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर टेसेक डिसीज एक ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर दैट इज असोट दैट इज एसोसिएटेड विद डिफेक्ट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेलूलर ऑर्गेनि ये ये जो टेसैक टेसैक है है क्यों होता किस सेल ऑर्गेनली के मिसफंक्शनिंग के वजह से जो बिहेवियर डिसऑर्डर है वो डिसऑर्डर होता है ये आपसे पूछा गया है तो इनमें से बताइए कौन सी सेल ऑर्गेनली है जिससे जो भी है टेसैक्ट डिसीज जो भी है रिलेटेड है अभी से सवाल है क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या गोल्जी गोल्जियलाइसूजो अच्छा चलिए सब लोग डी कह रहे हैं दी। ये जो टेसैक डिसीज है इसके सिम्टम्स क्या है तो इस टेसैक डिसीज के सिम्टम्स ये है कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है दैट रिजल्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एक जेनेटिक डिसऑर्डर है इसकी वजह से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से नर्व सेल्स का क्या हो जाता है तो डिस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन हो जाता है और ये जो भी डिसऑर्डर है वो डिसऑर्डर होता क्यों है ये डिसऑर्डर होता है बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन इन जी एम टू ये क्यों होता है तो म्यूटेशन इन जी एम टू गैंगलियोसाइट्स जी एम टू साइड्स के अंदर म्यूटेशन की वजह से ये डिसऑर्डर होगा जीएम टू की वजह से या हम कह सकते हैं कि इट इज ऑल्सो ए की deficiency की वजह से या इन दो जीन्स के अंदर अगर म्यूटेशन होता है इन दो जीन्स के अंदर म्यूटेशन नहीं मतलब म्यूटेशन हो या एक ही जीन के दो नाम है कि मतलब जीएम टू भी कह सकते उसे भी कह सकते हैं एक ही प्रोटीन के दो नाम है. तो इनमें से इस प्रोटीन के अंदर म्यूटेशन हो जाए तो जो भी है क्या होगा तो पर्टिकुलरली जो भी ये डिसऑर्डर हो और इन प्रोटीन्स के अंदर म्यूटेशन होते आते हैं तो क्या हो जाते हैं तो जो ग्लाइकोलिपिड है उन ग्लाइकोलिपिड्स का अकोमलेन होता है लाइसोजोम के अंदर और लाइसोजोम के अंदर जो भी ग्लाइकोलिपिड डिग्रेड नहीं हो पाते तो इससे रिलेटेड क्या है लाइसोजोम करेक्ट देन क्वेश्चन नंबर 5 इंक्रीज इन द एक्सटेंड एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन ऑफ ग्रे प्रेपड मॉथ

ब्रिटेन का एग्जाम्पल है ये आप लोगों को बताना है क्या ये नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है क्या ये डिस्टर्बिव सेलेक्शन का एग्जाम्पल है क्या ये डायरेक्शनल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है क्या ये स्टेबिलाई सिलेक्शन का एग्जाम्पल है? है मतलब इंक्रीज हुई है किसकी पॉपुलेशन ग्रे प्रेपर मौत की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है और बेस्टर्न बिटोली की जो भी पॉपुलेशन वेस्टर्न बिटोली ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल इज इन ब्रिटेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरी प्रोसेस डायरेक्शनल सिलेक्शन अच्छा विजेंदर ने डी कहा है विजेंदर ने, ने स्टेबिलाईजिंग सिलेक्शन कहा है डायरेक्शनल अच्छा चलो ठीक है डायरेक्शनल सिलेक्शन ही कह रहे हैं सी, सी 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 तो इसका जो सही सही जवाब जवाब है है वो क्या इट इज करेक्ट ज्यादातर लोगों ने दिया है वो इसका सही जवाब है कि इंक्रीज इन द एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन ऑफ ग्रे प्रेफर्ड मोत जो पहले ही प्रेजेंट थी ग्रे प्रेफर्ड मोत उसकी पॉपुलेशन अब जो भी इंक्रीज हुई है वेस्टर्न बिटोल यूरिया ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन ब्रिटेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरी प्रोसेस रिवोलूशनरी प्रोसेस का है इसका जो सही जवाब है वो डायरेक्शनल सिलेक्शन है मतलब पहले भी वहाँ पे जो भी वो प्रेजेंट थी लेकिन अब क्या हुआ है उसकी पॉपुलेशन एक इंक्रीज होनी शुरू हुई है तो अब वो डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन के अंदर एक ही पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इस एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्शनल सेलेक्शन देन नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर नॉट द फॉलोइंग नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैंसर सेल इनमें से कैंसर सेल है उस कैंसर सेल का कैरेक्टरिस्टिक जो भी है वो क्या नहीं है विच ऑफ दिच आन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैंसर सेल कैंसर सेल का इनमें से कौन सा जो भी है हम कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है विच आर नॉट द फॉलोइंग इज द नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैंसर सेल कैंसर सेल इनमें से कौन सी कैंसर सेल के लिए बात जो भी गलत है ये कैरेक्टरिस्टिक्स कैंसर सेल का जो भी कौन सा नहीं है सिंपल है पूछा जा रहा है इंक्रीजिंग इन सेल मोटिलिटी, फिर दूसरा है लॉस ऑफ कॉन्टेक्ट एनिबिशन डिक्रीज इन एपॉपोसी और चौथा है अनकंट्रोल्ड तो इन चारों में से बताइए ऐसा कौन सा पॉइंट है जो कैंसर सेल की प्रॉपर्टी के लिए ये कैंसर सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए लागू नहीं होता अच्छा कविता कह रहे ए चलो प्रिया ने कहा सी सुकेन कह रहे ए विवा सिंह कह रहे डी अच्छा अरुण तू शर्मा कह रहे ए शिल्पा यादव ए भानुप्रिया कह रहे ए राधिका माहेश्वरी भी कह रहे ए बी अच्छा चलो सी शिल्पा यादव गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग शिल्पा चलो 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 फटाफट आंसर दो अभी तक आप लोगों में से जितने भी लोगों ने आंसर दिया है उनमें से सिर्फ एक ही इंसान है जिसने सही जवाब दिया है बाकी सब लोगों ने जो भी है आंसर गलत दिया है वापिस इक्वेशन को पढ़ो विच एन ऑफ द फॉलो नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैंसर सेल कैंसर सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या नहीं है पूछा है तो थोड़ा सा याद करके दीजिए अच्छा चलो ठीक है अभी तक जो जवाब सही दिया है ना उनमें से विभा सिंह ने सही जवाब दिया है और अली खान ने जवाब सही दिया है और अब सौरव पटेल ने भी सही जवाब दिया है क्योंकि अभी तक जो जवाब दिए उन तीन ही लोगों ने दिया विभा सिंह ने सही दिया है अली खान और सौरव पटेल इन तीन जो भी हैं स्टूडेंट ने सही जवाब दिया है अब कहा कैंसर सेल की प्रॉपर्टी इनमें से क्या नहीं है इंक्रीज इन सेल मोटिलिटी ये तो प्रॉपर्टी जरूर है क्योंकि कैंसर सेल के अंदर हम देखते हैं कि कैंसर सेल्स के अंदर मूवमेंट ऑफ मूवमेंट जरूर होती है मेटास्टेसिस जरूर होता है सेल एक जगह से दूसरी जगह की तरफ मूवमेंट ऑफ मूवमेंट करते ही है तो ये तो पहला तो ऑप्शन सही है ही है लॉस ऑफ अगर सेल को मूवमेंट करना है तो कॉन्टेक्ट इनिबिशन तो होना ही चाहिए वहां पर कॉन्टेक्ट इनिबिशन लॉस हो जाएगा वो ये बात तो सही है डिक्रीज इन एपोप्टोसिस एपोप्ट सेल की जो भी है डेथ की रेट कम हो जाएगी और जो भी सर्वाइवल की रेट बढ़ेगी तो ये भी बात सही है लेकिन अनकंट्रोल्ड मियोसिस की बात गलत है कैंसर सेल के अंदर या कैंसर सेल सोमेटिक सेल्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं उनके अंदर अनकंट्रोल्ड अनकंट्रोल माइटोसिस कहते तो बात सही होती अनकंट्रोल मियोसिस नहीं होती ठीक है अनकंट्रोल मियोसिस गलत है हाँ अगर अनकंट्रोल माइटोसिस होता तो बिल्कुल सही होता तानिया गुड मॉर्निंग यामिनी वेरी गुड मॉर्निंग यामिनी डिक्रीज हाँ तो अंतिमा सिंह कह रहे हैं डिक्रीज इन एपोप्टोसिस नहीं नहीं डिक्रीज इन एपोप्टोसिस ये बात तो सही है ना क्योंकि अगर कैंसर सेल की प्रॉपर्टी है डिक्रीज इन एपोप्टोसिस क्योंकि एपोप्टोसिस के अंदर सेल मरते हैं कैंसर के अंदर हम कहते हैं अनकंट्रोल ग्रोथ अगर सेल मरेंगे ही नहीं डिक्रीज होगी एपोप्टोसिस मतलब सेल सार करेंगे और अनकंट्रोल ग्रोथ करते चलेंगे तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर क्या है हमें नॉट ही पूछा था तो नॉट बाकी सभी कैंसर सेल के बारे में ये सभी स्टेटमेंट सही है सिर्फ जो डी स्टेटमेंट है वो तो डी स्टेटमेंट क्या है तो गलत है इसका जवाब भी आप लोग देख लीजिए तो इसका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो डी ही है देन अब अगला सवाल कार्डेक एंड सेरिब्रल टिश्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम द फॉलोइंग जर्म जर्म्स रिस्पेक्टिवली कहा जा रहा है कि जो कार्डेक होती कार्डेक सेल है और जो सेरिब्रल टिश्यूज है कार्डैक्स सेल्स मतलब हार्ट की सेल्स कार्डैक्स सेल्स का मतलब होता है पर्टिकुलरली हार्ट सेल्स और सेरिब्रल टिश्यूज का मतलब है कि ये ब्रेन की सेल्स है तो हार्ट की सेल्स और ब्रेन की जो सेल्स है वो डिराइड फ्रॉम लेयर से होती है। यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन है एक्टोडम एंडोडम और यहाँ पे एंडोडम एक्टोडम बताइए इसमें से सही आंसर क्या होना चाहिए कि ये हार्ट किस जम लेयर से बना हुआ है और सेरिब्रल टिश्यू या ब्रेन के टिश्यूज किससे से बने हुए हैं अच्छा चलो प्रिया ने कहा कि सी विवा सिंह ने भी कहा विवा सिंह ने बी कहा यामिनी ने सी कहा यामिनी गलत है सी कैसे होगा कम से कम यामिनी ये तो सोचो कि ब्रेन किससे डिराइव होता है ब्रेन के सेल्स या नर्वस सिस्टम तो किससे ओरिजिनेट होता है रेबल टिश्यू या ब्रेन के बारे में तो ये तो पता ही है ना यामिनी की इसे ये एक्टोडम से ओरिजिनेट है और अगर एक्टोडम से ओरिजिनेट है तो फिर ये दो आंसर तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए कौन से वाले ये दोनों आंसर होने नहीं हो जाए। अब एक ही आंसर बचा है एक तो एक्टोडम वाले दो बचे मतलब एक्टोडम वाले तो आंसर होना चाहिए क्योंकि ब्रेन है तो ये अब बी और डी में ही आंसर होना चाहिए कविता शिल्पा कविता कह रहे बी शिल्पा बी चलो ठीक है बहुत सारे बी 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 कह रहे लोग अच्छा चलो 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 बहुत बहुत अच्छे ज्योति यादव भी, भी कह रहे हैं कार्डेक मिजो एंड रेबल टीशूज एक्टो ओके चलो ठीक है नेहा ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया सुकेन चलो ठीक है बहुत अच्छे तो इसका सही जो जवाब है जो मेजोरिटी लोगों ने दिया है वो वही है कि मिजोरम एंड एक्टोडम इज एन करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर एट एन एनिमल्स एबिलिटी टू एस्केप फ्रॉम द प्रेडिटर एनिमल है उन एनिमल्स के अंदर एक एबिलिटी है जहां पे वो एस्केप होते हैं अपने प्रेडिटर से प्रेडिटर है उस प्रेडेटर से एस्केप होंगे बाई यूजिंग एक्सप्लोर नॉलेज ऑफ द होम एरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स के अंदर ऐसी एबिलिटी है कि वो अपने प्रेडेटर से जो भी है एस्केप हो सकते हैं बच के भाग सकते हैं किसे यूज़ करके तो एक्सप्लोर द नॉलेज ऑफ होम एरिया अपने होम एरिया की नॉलेज को एक्सप्लोर करके वहां से वो वह एस्केप हो सकते हैं इज एन एग्जाम्पल ऑफ ये एग्जाम्पल किसका है यहाँ पे कहा जा रहा है ये मिमिक्री का एग्जाम्पल है नहीं मिमिक्री का एग्जाम्पल तो बिल्कुल नहीं होता ठीक है तो चलिए ठीक है आपके लिए भी तो जेते हैं पर्टिकुलरली आपको जो भी बताना है आपको आंसर देना है अभिषेक चलो गुड मॉर्निंग सब लोग ए ए दे रहे हैं शमीना ने डी कहा है महावीर ने बी कहा है शिल्पा यादव ने बी बी कहा है मेघराज ने ए कहा है ज्योति डी नीलम सी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ए आकांक्षा शर्मा ए चलो ठीक है तो देखिए इसका जो सही जवाब है ना वो सही जवाब क्या है तो इसका सही जवाब है आंसर इज इन लेटेंट इन लर्निंग और प्रिंटिंग तो हो नहीं सकता था ठीक है लेटेंट लर्निंग ही जो भी है इसका जो भी आंसर है वो सही है तो लैटेंट लर्निंग ऑज अ तो करेक्ट एग्जाम्पल जहाँ पे हम बात करते हैं कि एनिमल के अंदर ये एबिलिटी है कि वो अपने प्रेडिट से बच के जो भी है स्केप हो सकता है क्योंकि वो अपने जो भी हम कह सकते हैं कि उस एरिया को अच्छी तरीके से एरिया के अपने अंदर के एरिया के या अपने होम एरिया की नॉलेज को अच्छी तरीके से जो भी है यूटिलाइज कर सकता है क्वेश्चन नंबर आर प्रेजेंट इन वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स और टिश्यू कहा जा रहा है कि ये जो वोमस कैप्सूल होती है ये वोमन्स कैप्सूल कहाँ पे प्रेजेंट होती है किस ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट होती है या किस टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होती है फिर कहा गया है कि मेडुला यूरेटर और रेनल इसके अंदर जो भी है इनकी जो भी प्रेजेंस है वो प्रेजेंस पे प्रेजेंट होती है शिल्पा यादव का कहना है कि एक्सप्लेन करना है जो भी है बिहेवियर को तो देखिए लैट लर्निंग का मतलब क्या होता है शिल्पा लैटेंड लर्निंग का मतलब होता है इज अब रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन विदाउट री इन्फोर्समेंट और मोटिवेशन उसे हम लेट लर्निंग से रिप्रेजेंट करते हैं और इन लेटर लर्निंग के अंदर वन चेंज बिहेवियर ओनली वेन देर इज सफिशेंट मोटिवेशन लेटर देन दे रिटेन द इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम देखते हैं कि जब एक सफिशेंट मोटिवेशन हो तब ये ऐसे किया जा सकता है तो उसे लेट लर्निंग से रिप्रेजेंट किया जाएगा अच्छा चलो ठीक है बहुत सारे लोग तो जवाब दे रहे हैं कि सब लोग ए ए कह रहे हैं बिल्कुल सही है बिल्कुल सही तो ये जो भी है बोमन्स कैप्सूल या जैसे कि हम कभी भी इस तरीके से नेफ्रॉन है उस नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं किडनी के अंदर जो भी प्रेजेंट होने वाला जो नेफ्रॉन है उस नेफ्रॉन की जब भी स्ट्रक्चर को देखते हैं तो स्ट्रक्चर के अंदर हमें कुछ इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को हम जो भी ऑब्जर्व है ऑब्जर्व करते हैं जिसके अंदर कई सारे पोर्शंस होते हैं तो ये जो भी पोर्शन है इसे हम कहते हैं कि दिस इज बोमन्स कैप्सूल तो ये यूरिनरी ब्लैडर रेनल मेडुला यूरेटर के अंदर तो प्रेजेंट नहीं होता दे आर प्रेजेंट इन रेनल रेनलॉटेक्स ये पे प्रेजेंट होता है तो रेनर कॉटेक्स जो भी है प्रेजेंट होता है तो आंसर इज इन एंसर इजन देन क्वेश्चन नंबर टेन विच आर ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लंग सर्फेक्टेंट लंग के अंदर जो सरफेक्टेंट है प्राइमरी फंक्शन क्या है जो लंग्स के फंक्शंस है उन लंग्स के सर्फेक्टेंट्स का प्राइमरी फंक्शन क्या है यह हमें पूछा गया है विच आर नॉट द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लंग्स देखिए यहां पे आपके लिए सवाल पूछा है तो बताइए क्या है प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लंग्स रिमूव द रिमूव द डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द यामिनी कह रहे हैं कि अच्छा चलो ठीक है यामिनी ने बहुत अभी अमीनी सही जवाब आया आपका अच्छा शमीना सही है विवाह सही है बिल्कुल चलो सब लोग सही जवाब दे रहे हैं कि सब लोग सही जवाब सी इज एन करेक्ट सी इज करेक्ट बिल्कुल सब लोग जो भी सही जवाब दे रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल सही तो सब लोग जो भी ये सी इज एंड करेक्ट आंसर विच वन ऑफ दॉलोइ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लग सरफेक्टेंट तो इसका सही जवाब क्या है रिमूव द डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द बोकाई नहीं ये तो हेयर सेल्स का काम होता है प्रोवाइड इम्यूनिटी नहीं इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करते प्रिवेंट एलोलाइन फ्रॉम कोलैक्सिंग बाई डिक्रीजिंग द सर्फेस टेंशन ये जो सर्फेक्टेंट्स होते हैं ये लंग सर्फेक्टेंट्स क्या होते हैं तो दिस लंग सर्फेक्टेंट्स आर अ फैटी दिज ये जो भी है कुछ फैटी एसिड्स है उन फैटी एसिड्स को रिलीज किया जाता है और जो फर्टी फैटी एसिड्स होती है उन सब फैटी एसिड्स का काम होता है कि म्यूकस के पार्टिकल्स को एग्रीगेट ना होने देना उनको स्टिक ना होने देना उनको एक दूसरे से दूर रखने का काम जो मीन का होता है तो इसकी वजह से वो क्या करते हैं लंग्स को या एलुलाइज को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करते हैं वो डिक्रीजिंग सर्फेस टेंशन सर्फेस टेंशन को डिक्रीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज नहीं कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज के अंदर भी ये रोल प्ले नहीं करते तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है करेक्ट आंसर इज पर्टिकुलरली देन क्वेश्चन नंबर इलेवन को देखिए थोड़ा सा आप लोगों के लिए पूछने के लिए यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक तो मैच करने के लिए कहा है मैच द डिस ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं कि इनमें से किसी एक का भी अगर हमें आंसर पता है ना बाकी निकल जाता है मैच द डिसऑर्डर डिसीजेस इन लिस्ट इन लिस्टेड इन कॉलम वन देयर रिस्पेक्टिव पॉजिटिव एजेंट इन कॉलम टू जो डिसऑर्डर और डिसीज है उनकी जो भी है लिस्ट है उस लिस्ट को कॉलम वन जो है उस कॉलम वन को कॉलम टू से हमें क्या करना है तो मैच करना है डिसऑर्डर्स है लिस्ट वन के अंदर और आगे उनके पॉजिटिव एजेंट्स है और उस पॉजिटिव एजेंट्स को हमें चेक करना है बिल्कुल सही शिल्पा अकबर आज जो भी है इवनिंग में पांच बजे रेप्लीकेशन की क्लास है शिल्पा यादव प्रिवेंट कोलक सिंह बिल्कुल सही है अभी चलो ठीक है इसका जवाब दीजिए ठीक है सब लोग बी 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 कह रहे हैं अच्छा ज्यादातर लोगों का बी कहना है विभा अकबरुद्दीन अरुतु कविता अनीश जयदीप राधिका सुमित्रा आकाशा शिल्पा इमाम अभिषेक नीलम चलो तो ठीक है तो देखिए इनमें से अगर पॉजिटिव एजेंट्स के हमें पेयर लगानी है तो आपको ये चार पांच ही नाम है वो याद होने चाहिए सबसे पहले आपको याद ये होना चाहिए कि स्लिपिंग सिकनेस और स्लिपिंग सिकनेस कोज कॉज कर रहा था स्लिपिंग सिकनेस को कॉज करा कराने का जो काम है वो ट्रिपेनोजोमा है ट्रिपेनोजोमा स्लिपिंग सिकनेस को कॉज कराता था मतलब जो फोर है उस फोर के साथ में तो किसका लगना चाहिए तो फोर के साथ में हम कह सकते हैं वन का लगना चाहिए तो फोर जो भी है वन तो इसमें से ये बाकी के जो आंसर है वो ये दो तो हट गए जो भी ये दो आंसर जो भी है यहाँ से क्या हो जाते हैं तो हट है वो हट जाते हैं अब उसके बाद में सेकंड क्या है तो सेकंड को आप देखिए कि एक बार यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलरली ये एलो जो भी है फीवर है तो यहाँ पेलो फिल एलो फीवर नाम का एक डिसऑर्डर है ये जो येलो फीवर है वो येलो फीवर किसकी वजह से कॉज होता है तो फ्ला फ्लैवी वायरस से जो भी है रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर ये दो लग गए फोर और यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे भी टू का फोर लग गया तो यहाँ से जो भी आंसर है आंसर निकालना अब हमारे लिए क्या हो गया ईजी हो गया बाकी तो सभी ऑप्शन कट गए अभी इसमें से सही आंसर क्या होगा सेकेंड ही होगा तो ये आप जो भी सही ढंग से कह सकते हैं तो यहाँ पे ये यह फर्स्ट हमने यहाँ पे लिखा उसके बाद में माइक्रोसेफेली जो थर्ड है उस थर्ड के लिए हम लिख सकते हैं कि दिस इज जिका वायरस ज़िका वायरस की वजह से माइक्रोसेफेली होती है ज़िका के बाद में हम पर्टिकुलरली यहाँ पे लिख सकते हैं सेकंड के लिए ये फ्लेवी वायरस है तो ये यह फोर यहाँ पे रख दिया और फिर उसके बाद में हम लिख सकते हैं थर्ड रिकेट्स या जो स्पेसीज़ है वो या की स्पेसीज यहाँ पे अफ्रीकन टिक बाइट फीवर जो भी है कॉज करा सकते हैं पूनम गुड मॉर्निंग पूनम करेक्ट एंसर इजन टेन नेक्स्ट क्वेश्चन ग्लूकोज मोनोम टूगेदर बायकोसाइडिक लिंकेजेस ग्लूकोज के मोनोमर्स है एक ग्लूकोज है वो एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज के साथ में जो भी इंट्रेक्शन करता है और ग्लूकोज एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज के साथ इंट्रेक्शन करके वो क्या करते हैं लीनियर लिंकेजेस सेल्युलोज सेलुल सेलोलोज पॉलिमर बना देते हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ये जब प्रोसेस हो रही है तो चेंज इन द फ्री एनर्जी वहां पे कहा जा रहा है फ्री एनर्जी चेंज और फ्री एनर्जी चेंज का मतलब ही क्या होता है डेल्टा जी टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी का मतलब है डेल्टा एच टोटल एनर्जी का मतलब डेल्टा एच एंट्रोपी रिस्पेक्टिवली जो भी है कहा जा रहा है एंट्रोपी का मतलब होता है डेल्टा एस आर करेक्टली बाई विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कि जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़ के वो है, वो सेलुलोज के अंदर बनाते हैं तो वहां पे फ्री एनर्जी के अंदर चेंज कैसा आएगा फिर उसके बाद में टोटल एनर्जी के अंदर चेंज कैसा आएगा और एंट्रोपी के अंदर चेंज हुए चेंज कैसा आएगा ये आप लोगों को जो भी है सही ढंग से बताना है बी बी हम लोग बी कह रहे हैं बी मतलब फ्री एनर्जी चेंज पॉजिटिव में आएगा निगेटिव में आएगी टोटल एनर्जी और जो बी है एंट्रोपी एंट्रोपी का मतलब ही होता है डिसऑर्डरनेस तो डिसऑर्डरनेस भी कम होगी तो सब लोग बी कह रहे हैं विभाव और शमीना डी कह रहे हैं रॉय बी कह रहे हैं पूनम डी कह रहे हैं सुकेन D कह रहे हैं तो में से बताइए बी या डी तो ज्यादातर लोग बी कह रहे हैं कुछ लोग डी भी कह रहे हैं जयदीप जादव ने भी बी कहा है चल है ठीक तो देखो अभी तक अगर आपने ये जो लेक्चर है उस लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए सबसे पहले तो सबसे पहले इस लेक्चर को लाइक करिए और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि जितना आप ज्यादा सब्सक्राइब करोगे उतना हम कह सकते हैं जल्दी ज्यादा से ज्यादा आपको जो भी है अच्छे वाले वीडियोस हम जो भी है और भी यहाँ से जो भी हिलाते रहेंगे आपके जो भी है डिमांड्स उन डिमांड्स के हिसाब से आपके लिए और भी बेनिफिशियल आते रहेंगे अच्छा चलो ठीक है बी बी तो यहाँ पे देखिए कि अगर ग्लूकोज है वो ग्लूकोज किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो रहा है एक दूसरे को जोड़ के इनमें से जो सही आंसर होना चाहिए वो सही आंसर बी नहीं तो इनमें से सही आंसर डी होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे फ्री एनर्जी चेंज पॉजिटिव में आना चाहिए टोटल जो एनर्जी हो टोटल एनर्जी भी पॉजिटिव में ही रहनी चाहिए बस एंट्रोपी जो भी है वो डिक्रीज होनी चाहिए क्योंकि ग्लूकोज के मोनिमर्थ है तो वो डिसऑर्डर थे और डिसऑर्डर मोनोवर्स एक दूसरे के साथ जोड़ दिए तो ऑर्डरनेस के अंदर आ गया वहां पर अगर ऑर्डरनेस बढ़ती है मतलब एंट्रोपी घटेगी क्योंकि एंट्रोपी का मतलब ही होता है डिसऑर्डरनेस मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस तो एंट्रोपी घट रही है मतलब हम कह रहे हैं चीजें ऑर्डर में जा रही है तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर क्या है डी वॉज एन करेक्ट आंसर देन नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है बी ड्रॉसोफिला से है ड्रोसोफिला के अंदर जो भी है क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है देखिए क्या है कि इन ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई है सब लोग जानते हैं द फ्रूट फ्लाई जो बी है, है।, है, 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 तो है, है तो एक होम्योटिक जीन के अंदर म्यूटेशन हुआ है और उस होम्योटिक जीन का जो नाम है यहाँ पे तो होम्योटिक जीन का नाम क्या है तो म्यूटेशन है अल्ट्रा बाइथोरिक्स अल्ट्रा बाइथोरिक्स के अंदर म्यूटेशन हुआ है थर्ड सेगमेंट ऑफ

अगर हम सेकंड थोरेक्सिक सेगमेंट के अंदर वहाँ पे अल्ट्रा बायथोरिक्स का अगर इंक्रीज करा दे अमाउंट तो वहाँ पे क्या जो भी है वहाँ पे ऑब्जर्व हो सकता है ये जो भी हमें क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से पर्टिकुलरली अल्ट्रा बाइथोरक्स इन द थोरेसिक सेगमेंट विच ऑफ़ द फॉलोइंग बाइथोरिक्स इन जो अल्ट्रा बाइथोरिक्स है थर्ड सेगमेंट के अंदर जो भी है रिस्पॉसिबल होता है देखिए यहाँ पर मतलब डायग्रामेटिकली अगर हम ड्रॉ करें सिंपली तरीके से कि सपोज ये जो भी आ, जो भी ड्रोसोफिला है उस ड्रोसोफिला का सपोज हेड माने हम हेड के साथ में ये जो भी हम कहें कि ये थोरेक्स का सेगमेंट है और के साथ साथ ये जो भी एबडोम का सेगमेंट है क्स और दिस इज कॉल्ड एबडोम ये जो भी एबडोम का पोर्शन इस थोरैक्स के अंदर तीन सेगमेंट है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड अल्ट्रावाइथोरिक्स कहां पर रिस्पॉन्सिबल है तो अल्ट्रावाइथोरिक्स जो भी थर्ड सेगमेंट है थर्ड सेगमेंट के अंदर जो भी है वो एक्सप्रेस होता है लेकिन क्वेश्चन यही कह रहा है विच आर द फॉलोइंग फ्यूनो टाइप्स विल बी इन फ्लाई विदल्ट फ्रॉम ओवर एक्सप्रेशन ऑफ अल्ट्रावाइथरिक्स इन अ सेकेंड थोरेसिक सेगमेंट अगर सेकंड थोरेसिक्स सेगमेंट के अंदर उसका ओवर एक्सप्रेशन कर दिया तो हम कह सकते हैं कि क्या होगा तो देखिए अगर यहाँ पे एक्सप्रेशन करा दिया अल्ट्रा अल्ट्रावाथोरिक्स का तो सेकंड थोरेसिक्स सेगमेंट के अंदर तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी है फोर विंग्स की फॉर्मेशन हो जाएगी फोर फ्लाइज विथ फोर हेल्टर सॉरी विंग्स नहीं तो हम कह सकते हैं हेल्टर है, उन हेल्टर्स की फॉर्मेशन फॉर्मेशन हो जाएगी क्योंकि जो हेल्टर्स की फॉर्मेशन है उससे हेल्टर्स की फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है तो अल्ट्रावाथोरिक्स है क्योंकि अल्ट्रा का काम ही क्या है तो अल्ट्रा वहाँ पे हेल्टर का फॉर्मेशन भी कराता है। तो यहां पे हम कह सकते कि यहां पे इसका जो सही जवाब है क्या है, हेल्टर. हेल्टर की जो भी है चार हेल्टर्स की फॉर्मेशन हो जाएगी जो बैलेंसिंग के लिए लगते हैं उसे हम हेल्टर से रिप्रेजेंट करेंटर ट्रू इन केस ऑफ रिस्पायरेटरी एसिडोसिस रिस्परेटरी एसिडोसिस के लिए इनमें से क्या बात सही है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रिस्पायरेटरी एसिडोसिस के लिए जो भी है सही साबित होता है बताइए इंक्रीज होगा ब्लड पीएच मोर देन सेवन ब्लड की पीएच सेवन से ज्यादा होगी इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लडरी एसिडोसिस कब होगा तो इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एसिडोसिस कैन बी कंपनसेटेड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाई कार्बोनेट लेवल्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो चलो ठीक है रेबंता यामिनी बिल्कुल सही है कि इट्स वॉज एन डायरेक्ट क्वेश्चन सब लोग सही जवाब दे रहे हैं कि इट्स वॉज एन डायरेक्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ रेस्पायरेटरी एसिडोसिस इसका मतलब यही है इनक्रीज द लेवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड ब्लड के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ जाती है तो उसे हम कहते हैं और क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन थोड़ा सा है का, लेकिन सेल बायोलॉजी से रिलेटेड है मैच द प्रोटीन मॉलिक्यूल इन इन कॉलम वन विदर सेल्युलर लोकेलेशन मैं इन कॉलम टू कॉलम वन के अंदर जो भी है प्रोटीन के नाम दिए गए हैं और कॉलम टू के अंदर उनकी सेलुलर लोकेशन दी गई है तो आपको बताना है प्रोटीन वन और उसकी सेलुलर लोकेशन अब देखिए आप में से जो भी है जवाब तो दे दीजिए चलो फिफ्टी नंबर के क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए हाब अब आप, आप, आप जवाब दो उसके बाद में हम एक्सप्लेन करते हैं क्या होगा जवाब चलिए दीजिए फटाफट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का आंसर दीजिए सोनी तो ने जवाब दिया है बी सोनी तो शर्मा ने बी यामिनी ने बी कहा है आकांक्षा शर्मा ने भी बी कहा, कहा है रोज श्री बी शमीना बी ंकिता सिंह ने भी बी कहा है ओ एस मकबूल ने भी बी कहा है शिल्पा यादव ने भी बी कहा है पूनम चौधरी अली खान चलो ठीक है सब लोगों ने बी कहा है अब देखिए कैसे इनमें से कोई प्रोटीन आपको याद है नहीं है लेकिन आप साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के बारे में तो जानते ही है और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कहाँ का कंपोनेंट का है तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कंपोनेंट का है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे प्रेजेंट होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेकंड का फोर तो हमें यहाँ पे लिखना ही जरूरी है तो सेकेंड का फोर कहाँ कहां -का है यहाँ पे नहीं है यहाँ पे नहीं है इन दो लोकेशन के ऊपर सेकंड जो ऑप्शन है सेकेंड ऑप्शन का जो भी फोर है वो फोर सही है यहाँ पे देखिए फर्स्ट का थ्री ही है और यहाँ पे भी फर्स्ट का जो भी है थ्री है मतलब फर्स्ट जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए तो गोलजी हो उस गोलजी के अंदर प्रेजेंट होना जरूरी है वो तो हमने यहाँ पे जो भी है कर ही दिया अब जो भी हमें देखना है क्लैथरीन उस क्लैथरीन के बारे में कि क्लैथरीन पे प्रेजेंट होता है तो हम जानते हैं कि क्लैथरीन प्रोटीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है तो वेसिकल्स के साथ में अटैच होता है तो क्लैथरीन क्लैथरीन इज प्रेजेंट इन वेसिकल्स वेसिकल्स तो तो के साथ में होता है इसका जो भी फर्स्ट आया आयान कहाँ होता है तो साइटोसोल के अंदर होता है तो इसका सेकेंड आया तो इसमें से जो सही आंसर है वो सही आंसर क्या है बी वोजन करेक्ट आंसर क्योंकि क्लैथरीन वेसिकल्स को कोड बनाने का काम करता है

ड्रोसोफिला के अंदर जैसे होमेटिक जीन्स के अंदर ड्रोसोफिला के अंदर म्यूटेशन एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था वैसा ही एक, एक एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर क्या किया गया न्यूक्लियस फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस फॉर्म ऑफ ड्रॉस ड्रोसोफिला साइट जैसे कि सपोज ड्रोसोफिला है उस ड्रोसोफिला का जो यहाँ पे हम बात करें तो ये कुछ इस तरीके से जो भी है एग होता है उस एग का ये एंटीरियर साइट होती है इस एग की ये जो भी है पोस्टीरियर साइट है पोस्टीरियर साइट होती है

क्या हो सकता है तो पर्टिकुलरली प्रेजेंट और प्रेजेंट हो सकता है पहले से ही यहाँ पे न्यूक्लियस है लेकिन पहले से ही जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के अपोजिट में यहाँ पे क्या किया है तो पहले से ही यहाँ पे जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसके अपोजिट में यहाँ पे जो भी न्यूक्लियस रखा हुआ है रीजन अपोजिट टू द एक्स्टिंग न्यूक्लियस विच आर नो द फॉलोइंग फिनोटाइप विल बी द डेवलपिंग एग शो इनमें से ऐसा जो भी है डेवलपिंग एग क्या फिनोटाइप शो करेगा यहाँ पे है एग हैथ नो डोरसलजेस डोरसलाइज एग नो टू विसल अपेंडेजेस वेंट्रलाइज एग जो भी है या डोरसलाइज डोरसल अपेजेस जो भी है टू और जो भी आपको कहा गया तो इनमें से सही आंसर जो भी देना है चलो तो ठीक है यामिन ने डी कहा है मुकादता अली खान ने जो भी है बी कहा है विवा सिंह ने डी कहा है दीक्षा ने डी दी कहा है ये कह रहे हैं चलो चलो ठीक है तो सही आंसर क्या है इसका देखते हैं तो सही आंसर है कि डॉसलाइज द एग

यहाँ पे टेप वाम जेली फिश अर्थवॉम ट्राइकेलिया यहाँ पे है बायोलूमिनेस है यहाँ पे एक जगह के ऊपर वी वी प्यरस है लैटरल हर्ट अब यहाँ पे तो एक बात तो पता है सबको कि जो जेली फिश है वो जेली फिश क्या करती है तो जेली फिश बायोलूमिनेसन शो करती है ग्रीन फ्लोरसन प्रोटीन उसके पास में होता है और ग्रीन फ्लोरोसन होता है मतलब वो बायोलूमिनेसन शो करती है मतलब सेकंड का फर्स्ट तो होना ही जरूरी है तो सेकंड का फर्स्ट किन किन ऑप्शंस के अंदर है तो इन इन ऑप्शन के अंदर जो भी है सेकेंड का यहाँ पे फर्स्ट है तो ये बाकी ऑप्शन तो चले गए ये जो भी बाकी ऑप्शन तो चले गए अब उसके बाद में हमें बाकियों के बारे में जो भी है डिस्कस और डिस्कस करना पड़ेगा कि वी वी पैरस के बारे में क्या है आ, फिर उसके बाद में अर्थ वोम जो भी है क्या है ये डिस्कस करना है एक तो आंसर ए हो सकता है नहीं तो आंसर अब सी हो सकता है क्योंकि बी और डी तो अभी यहाँ से हट चुके हैं तो आंसर ए या सी में से क्या आंसर होगा ये बता देंगे जावेद यहाँ पे सिंपल है जेलीफिश जो है वो जेलीफिश के अंदर यही से तो हम क्या आइसोलेट करते हैं ग्रीन फ्लोरसेंट प्रोटीन आइसोलेट करते हैं जीएफपी जिसे जी कहते हैं और ये जीएफपी तो क्या करता है बायोलुमिनेसेंस ही शो करता है ठीक है तो बायोलुमिनेसेंस शो करता है मतलब हंड्रेड एंड वन परसेंट ये तो इसका तो आंसर क्या होना चाहिए सेकेंड होना ही जरूरी है ठीक है तो सेवनटीन जो भी है वो सेवनटीन का आंसर क्या है तो सी वॉज करेक्ट तो बहुत सारे लोग जवाब दे रहे हैं सी 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 सही है क्योंकि जो जेली फिश है वो बायोलोमेशन शो करती है देन उसके बाद में जो भी हमने कहा कि सेकंड का तो फर्स्ट आ गया जो टेप वॉर्म है उस टेप का काम है कि उसके बॉडी के ऊपर जो भी माइक्रोविलाई माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं तो इसका फोर आ गया इसका फर्स्ट आ गया जो ट्राइकेलिया है उसके पास में वीवी पैरस देखा जाता है और जो अर्थवॉर्म है उस अर्थवॉर्म के ऊपर लेटरल हर्ट है वो लेट्रल हर्ट प्रेजेंट होता है तो इसका जो आंसर है वो सी वॉज एन करेक्ट आंसर ठीक है देन क्वेश्चन एक्सप्लेन होना चाहिए हर किसी ने बताना ही चाहिए पार्ट ऑफ द क्लासिकल सिलेक्शन ऑफलूशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है इनमें से स्टेटमेंट के बारे में जो भी है कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ क्लासिकल डार्विनियन ऑफ ऑफल्यूशन क्लासिकल डार्विनियन थेरी ऑफ इवोल्यूशन का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है ये जो चार स्टेटमेंट है इन चार स्टेटमेंट से आपको बताना है कि जो डार्विन की थेरी है इन चार स्टेटमेंट है ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं कि यहाँ से हम नहीं कहे मतलब जो क्लासिकल डारवीनियन थेरी के अंदर नहीं आता क्वेश्चन नंबर एटीन अच्छा ए ए ए ए कह रहे सब लोग ए ए बिल्कुल चलो ठीक है पहला ही स्टेटमेंट क्लासिकल डार्विनियन थ्योरी का नहीं है ऐसा क्यों कहा जा रहा है तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है द ट्रेड विच इज कॉन्स्टेंटली यूज विल गेट इनिरेटेड बाई द नेक्स्ट जनरेशन ये स्टेटमेंट कभी भी डार्विन ने जो भी है नहीं कहा है ये तो लेमार्क ने जो भी है हम कह सकते हैं कि जो भी है बात कही थी लेमार्क ही कहते थे कि अगर जो जिराफ है अपनी गर्दन को ऊंची खींचते रहते हैं तो वह पर्टिकुलरली वहां पे क्या होता रहता क्योंकि तो जो भी है गर्दन है वो बड़ी होती रहती है तो ये स्टेटमेंट लेमार्क का था फिनोटाइप टाइप वेरिएशन एग्जिट अमॉन्ग द इंडिविजुअल्स ऑफ पॉपुलेशन स्पेसिस हाँ उन्होंने वेरिएशन के बारे में बात की थी इंडिविजुअल दैट बेस्ट इन टू ग्रो हाफ उन्होंने सर्वाइवल ऑफ़ द फिटेस्ट की भी बात की थी इच पॉपुलेशन कैन रैंडमली एक्वायर डिस्टिंग एंड सेपरेट यूनिट ऑफ वेरिएशन सुट वेरिएशन ये बात भी सही है लेकिन यहाँ पर ये बात बिल्कुल गलत है कि यहाँ पे गेट इनिटेड बाय द नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो कैरेक्टर्स है वो इनिट होंगे जिसे हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो स्टेटमेंट जो भी है गलत है तो ये क्वेश्चन नंबर जो भी है एटीन का जो भी है सही आंसर क्या था तो क्वेश्चन नंबर एटीन का सही आंसर ही हम तो कहते हैं कि ए इज ए करेक्ट आंसर देन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है अब क्वेश्चन नंबर नाइनटीन राइट विश्व रंजन बिल्कुल सही क्वेश्चन नंबर नाइनटीन देखिए पॉपुलेशन ऑफ रैबिट्स वाज डिटरमाइंड टू हैव अ बर्थ रेट ऑफ टू हंड्रेड जो भी है रैबिट जो भी है उस रैबिट की जो बर्थ रेट है वो बर्थ रेट क्या है तो उसकी बर्थ रेट के बारे में हम बात करते हैं कि उनकी बर्थ रेट टू हंड्रेड है बर्थ रेट इज टू हंड्रेड एंड मोर्टेलिटी रेट उनकी जो मोर्टेलिटी रेट है वो मोर्टेलिटी रेट फिफ्टी है पर ईयर ठीक है लेकिन फिफ्टी है पर ईयर इनिशियल पॉपुलेशन साइज अगर इनिशियल पॉपुलेशन की साइज जो भी हम कह रहे हैं कि इनिशियल पॉपुलेशन की जो साइज है वो इनिशियल पॉपुलेशन साइज कितनी है तो इनिशियल पॉपुलेशन साइज यहाँ पे हमने कितनी दे रखी है फोर थाउजेंड दे रखी है आफ्टर टू ईयर्स ऑफ अ नॉन इंटरफेड ब्रीडिंग द फाइनल पॉपुलेशन साइज विल बी अब दो ईयर के बाद में फाइनल पॉपुलेशन की साइज जो भी हमें पूछी गई है फाइनल तो पॉपुलेशन की साइज अब देखिए इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है चार सौ है बर्थ रेट कितनी है तो हम कहते हैं कि रैबिट्स वो डिटरमाइंड टू है वो बर्थ रेट टू हंड्रेड है और मोर्टेलिटी रेट कितनी है पर ईयर के अंदर तो ये बर्थ रेट जो भी है मोर्टेलिटी रेट कितनी दे रखी है पर ईयर की दे रखी है तो इस पर ईयर ये भी कितनी दे रखी है तो पर ईयर जो भी है वो वहाँ पर हमें दे रखी है तो ये जो भी है एक्सप्लेन करने के लिए इसका जो सही जवाब है देने के लिए कहा है कि बर्थ रेट अगर दो सौ है पर ईयर मोर्टेलिटी रेट 500 सौ है और इनिशियल पॉपुलेशन अगर चार सौ है तो फाइनल जो भी है हमारे लिए कितनी अमाउंट है वो अमाउंट होगी ये पॉपुलेशन की साइज़ वो साइज़ कितनी होगी तो ये जो भी कहा गया तो इसका जो भी है हमें एक्सप्लेनेशन बताना है तो क्या होगा इसका आंसर कोई सॉल्व कर सकता है अच्छा चलो ठीक है यामिनी ने कहा कि नाइनटीन का सिक्स हंड्रेड होगा अच्छा चले और कोई जो भी है देना चाहता है जवाब यामिनी टेलर ने कहा फाइव टू नाइन जीरो बिल्कुल सही राइट राइट देखिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा यहाँ पे तो पर्टिकुलरली आंसर जो है वो आंसर यहाँ पे मैंने दे रखा है एक्चुअली फाइव टू सेवन जीरो से 5310 के बीच में जो भी इंस का आंसर जो भी है आना जरूरी है ठीक है देन उसके बाद जो भी है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इन अ पॉपुलेशन विच इज इन विच इज इन हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम एक पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन हार्डी इन वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के अंदर है द फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस ऑफ अ डिसऑर्डर कॉज बाई द रेसिस क्यू इज वन इन हम कह सकते हैं वन

ये हमें जो भी है यहाँ पे क्या करना है तो आंसर देना है तो इसका आंसर जो भी है वो आंसर क्या है तो पॉइंट फाइव सिक्स से पॉइंट जो भी है जीरो पॉइंट सिक्स टू है तो अक्रस ऑफ द डिसऑर्डर कॉज बाय द रेसेसिव अल क्यू इज वन उसकी जो भी रेसेसिव है वो रेसेसिव अलील क्या है तो रेसेसिव हम कहते हैं कि रेसेसिव अलील जो भी वन है उसके तो हिसाब से ये जो भी फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के हिसाब से हमें एक्सप्लेन करना है ठीक है तो इसका जो आंसर है वो करेक्ट आंसर क्या है तो पर्टिकुलरली ये है कि जीरो पॉइंट जीरो फाइव सिक्स से जीरो पॉइंट जीरो ट्रिक्स टू के बीच में ये क्या करता है तो रेंज ओ रेंज करते हैं ये से जो क्वेश्चन है जैसे कि हमने देखा देखिए कि क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है एक वाला और क्वेश्चन नंबर जो भी ट्वेंटी है वो ट्वेंटी वाला है ऐसे क्वेश्चन जो भी हैं थोड़े से हम कह सकते हैं कि न्यूमरिकल क्वेश्चन हैं ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हमें एक्सप्लेन करने के लिए ट्रिक्स हैं उन ट्रिक्स के लिए हम अलग से जो भी एक वीडियो बनाएंगे ये जो जैसे दो क्वेश्चन है ना इन दो क्वेश्चन के जैसे ही मैं एक अलग से हार्डी वेनबर्ग के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए एक अलग से और वेबसाइट के सॉरी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर वैसे अब हार्डी वेनबर्ग को एक बार देखिए तो हार्डी वेनबर्ग के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है या पॉपुलेशन ग्रोथ के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है ऐसे वीडियो पहले से है लेकिन हाँ इन दो वीडियोस इन दो क्वेश्चंस के वीडियो और इन दो क्वेश्चंस के साथ साथ जूलॉजी के अंदर जितने भी आने वाले न्यूमरिकल क्वेश्चन है ऐसे इन सभी क्वेश्चंस को हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसके अंदर जो भी है डिस्कस है, वो डिस्कस वो करेंगे कि इन इनके तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे ये यह जो ट्वेंटी जो का हमारा जो पेपर था वो यहाँ पे हमारी तरफ से क्या हुआ है तो कम्प्लीट हो चुका है ठीक है तो आज के सेशन के अंदर हम यहीं पे रुकते हैं आप सब लोगों का बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों को बहुत बहुत जो भी है थैंक यू कि आपके ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स के लिए आपके इस बहुत ही अच्छे सपोर्ट के लिए ठीक है तो ये सभी हमने यहाँ पे क्या किया तो डिस्कस वो डिस्कस किया ठीक है आगे भी आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहे आ, कल से जो भी है बाकी सर भी हैं जैसे कि कल बॉटनी का जो भी पेपर है वो आपके साथ में लालजी सर एक्सप्लेन करने वाले हैं फिर जो भी हैं वेनसडे को धवल सर माइक्रोबायोलॉजी करने वाले हैं फिर थर्सडे को मतलब गुरुवार को जो भी है आपके साथ में दिगंबर सर हैं जो कि बायो केमिस्ट्री का पेपर एक्सप्लेन करने वाले टू थाउजेंड एटीन का राजू सर है जो आपको केमिस्ट्री को क्योंकि हमारे लाइफ साइंस के स्टूडेंट को ज्यादातर केमिस्ट्री से जो भी है ज्यादातर डरते हैं तो केमिस्ट्री के लिए आपके लिए केमिस्ट्री राजीव सर लेके आएंगे और फिर जनरल एप्टीट्यूड के लिए मनोज सर भी जो भी है आपके साथ में इंफॉर्मेशन के लिए शेयर करने के लिए आएंगे सैटरडे के लिए तो पूरा वीक आप लोगों को हमारे साथ जुड़ना है कहीं नहीं जाना है हर रोज मॉर्निंग को दस बजे आप लोगों को हमारे साथ में जुड़ना है और दस से जो भी है हम हर रोज एक एक जो भी है सेशन को एक एक पेपर को जो भी है डिस्कस करने वाले हैं ठीक है थैंक यू यामिनी वेलकम यामिनी शिल्पा वेलकम अंकिता वेलकम दीक्षा दीक्षा ऐसे क्वेश्चंस को न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम अलग से वीडियो बनाएंगे उस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे रोज थैंक यू पूनम थैंक यू एली थैंक यू नेहा चलो सबका वेलकम है नेहा खान वेलकम सबका ठीक है तो सभी लोगों का वेलकम है हमारी तरफ से तो आप आगे आने वाली सेशन के अंदर जो भी है जुड़ते रहें सब लोग जो भी है पार्टिसिपेट करते रहे अभी तक अगर लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लेक्चर को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपके पास में जो भी है जितने भी हमारी तरफ से एक्टिविटीज होती है यूट्यूब चैनल के ऊपर डेली एक्टिविटी चलती ही रहती है यूट्यूब चैनल के ऊपर तो आप उसे भी जो भी है इन्फॉर्मेशन को भी ये ले सकते हैं और हाँ लास्ट लेकिन एक और अनाउंसमेंट है आपके लिए कि आईएफएस की तरफ से हमारी तरफ से जो भी है ना क्या हो रहा है कि हमारी तरफ से आईएफएस की तरफ से फोर जनवरी को जो भी है एक आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स आ रहे हैं फोर जनवरी को हमारी तरफ से बहुत सारी बैचेस शुरू हो रही है आपको अगर सी एस आर नेट की क्वालिफिकेशन करना है तो सी एस आर नेट के लिए हमारी तरफ से फुल कोर्स का बैच शुरू हो रहा है डी बी टी के लिए फुल कोर्स शुरू हो रहा है आई सी एम आर है आई सी एम आर के लिए फुल कोर्स शुरू हो रहा है और फिर हम बात कर सकते हैं कि जो बार को है, उस बार को कोर्स के लिए भी हमारी तरफ से फुल कोर्स जो भी शुरू हो रहा है तो इन चारो या इन चारों चारों कोर्सेज या के फुल जो भी है, चार तारीख से जो भी शुरू हो रहे हैं तो आप जो भी है इसके अंदर अगर सोच रहे हैं कि बार के अंदर आपको करियर करना है डीबी टी जे आर एफ को अचीव करना है आई सी एम आर जी आर एफ को अचीव करना है या जो सब आप लोगों का फेवरेट है कि हमें सी एस आर को अगर जो भी है अचीव करना है तो आप इनको जो भी है जरूर जो भी है एडमिशन ले सके क्योंकि अपॉर्चुनिटी है क्योंकि हम कहेंगे कि इंडिया के अंदर कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि एक ही इंस्टीट्यूट के अंदर एक ही छत के नीचे आपको इतने सारी जो भी है कोर्सेस अवेलेबल मिलेंगे वो भी डेडिकेटेड उनके कोर्सेज के डिमांड की जो भी है उस डिमांड के हिसाब से आपको जो भी है एक्सप्लेन यहाँ पे किया जाएगा ठीक है तो चलिए आज के सेशन के अंदर हम यही रुकते हैं थैंक यू